हरियाणा के कुछ खबरें आ रही थी कि अक्षरा सिंह को पवन सिंह हर किसी को फोन करके बोल रहे थे भाई आप इनको फिल्म में मत लो, इसकी वजह से उन्होंने आज यही एफआईआर दर्ज करवाया है। तो आपको भी इस प्रकार का फोन कभी आया था क्या? नहीं नहीं सुनिए, बात ऐसा है कि अगर मेरे बोलने से, मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, अगर मेरे बोलने से ये मुद्दा अगर यही खत्म हो जाता है तो मैं बोलूंगा। मैं जानता हूं कि मैं बोलूंगा और इसकी हेडलाइन कल कुछ अलग होगी और उसके बाद ये फिर भी बात बड़ा हो जाएगा और फिर उसके बाद कुछ और होगा और फिर कुछ और होगा। तो मेरे कहने का मतलब कि जो चीजें शांत हो रही है, नहीं 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 खत्म होगा, मैं जानता हूं ना, क्योंकि उसकी हेडलाइन कल अलग होगी ये मैं जानता हूं। इसलिए जो चीजें खत्म हो रही है उसको मिट्टी डालने का काम करिए। ये दुनिया है, दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है। अगर आपको पूछना है तो उन बाढ़ पीड़ितों के बारे में पूछिए, क्योंकि मैं उनके दिल में रहता हूँ, उनके गरीबी में रहता हूँ। आपको अगर प्रचार करना है तो उन गरीबों का प्रचार करिए जो रोड पे पड़े हैं, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को लेकर और पूरी दुनिया को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जिसका जो देखिए, सबको जीने का हक है, सबको अपनी बातें रखने की हक है, सबको बोलने का हक है। किसी एक को लेकर और हम इतना बड़ा विवाद खड़ा करें, उसमें नुकसान किसका होता है? हमारे भोजपुरी समाज का होता है। तो मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि आप इस बात को जितना लोगों से पूछिएगा उतना ही ये विवाद बड़ा होता जाएगा और उसमें हमारी दुनिया बर्बाद होती है, उसमें हमारे भोजपुरी को नुकसान होता है और पूरी बाहर के लोग हमारी भोजपुरी को गाली देते हैं। क्योंकि जिसके बारे में आप लिखते हैं, जिसके बारे में हेडलाइन बनाते हैं, वो कोई गैर नहीं, वो भी आपके अपने हैं, आपके मिट्टी के बच्चे हैं। तो बच्चों से गलतियां होती है, हम भी गलती करते हैं, मैं दूध का धुला नहीं हूं। तो कोशिश करिए जो चीजें बड़ी होती है उसको आप लोग दबा दीजिए, कोशिश करिए। छोटा मोटा बातें तो होती है, रोड पे चलने पे एक्सीडेंट तो होता ही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गैराज में उसको गाड़ी को ठीक कराइए ना। अब एक हामर लेके मार दे बहुत और अभी आपने बिहार में बाढ़ आया था, आपने काफी मदद भी किया, लेकिन महाराष्ट्र के कई जगहों पे भी बाढ़ आया तो आप क्या वहाँ मदद करने वाले हैं? बिल्कुल मदद करूंगा, अगर मुझे पता चले। आप बताइए कहाँ पे है, अभी मैं चलता हूँ, 20-25 लाख अभी खर्चा करूंगा मैं, अभी मैं वादा करता हूँ आपसे। सर मुख्यमंत्री में मैं दे ही नहीं सकता, मैं जानता हूँ कि वो गरीबों तक नहीं पहुँचेगी। तो मैं इसीलिए डायरेक्ट जाकर उनके पास मिलता हूँ, उनके दुखों में रहता हूँ, मैं उनकी परिस्थितियाँ देख कर उनको खर्चा करता हूँ। मैं किसी को दे दूंगा और पता नहीं वो पहुँचे नहीं पहुँचे। एक आदमी के भरोसे इस दुनिया का सब कुछ नहीं किया जा सकता। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, एक आदमी एक कोशिश तो कर रहा है, शरीर में अगर एक कहीं कुछ है, दर्द है, तो उसको दुख दूर करने की कोशिश कर रहा है, बाकी सब लोग उसमें जुड़े। आप भी कमाते होंगे 50,000 रुपए, उसमें से 5,000 रुपए आप भी निकालिए। ये होता है ना, हम निकालते हैं 50,000, हम 5 लाख कमाते हैं, तो लेकिन आप निकालिए तो 10,000 आप भी, क्योंकि एक आदमी 50 लाख कमाता है तो 2 लाख निकाल रहा है। मैं प्रचार इसीलिए करता हूँ कि ताकि मुझे देखकर हर आदमी अगर 5,000 रुपए का मदद कर देना निकालिए तो शायद हमारे देश से गरीबी खत्म हो जाएगी और वो कब कोई बाढ़ पीड़ित नहीं रहेगा, उनके लिए घर भी हो जाएगा, उनके लिए बहुत सारी चीजें हो जाएगी। मैं कोशिश हूँ, लोगों को लगता है कि मैं प्रचार करता हूँ, नहीं नहीं, अगर मैं गुप्त दान कर दूंगा ना तो मुझे कोई आर्टिकल नहीं मानेगा और मुझे कोई जो मुझे दिल में बसाते हैं वो हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानबे ही नहीं करेंगे कि मैंने कितना हेल्प किया। मैंने लोगों के बीच में जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ, इसीलिए मैं जाता हूँ ताकि मुझे देखकर अगर 10 लोग भी आगे आते हैं तो शायद कुछ लोगों का तो भला होगा। ये मेरी एक कोशिश है, ये मेरी एक अपनी हार्दिक इच्छा है, लेकिन 10 लोगों का दुख धारने की कोशिश करते हैं। कई गंभीर आरोप भी लगाए गए पवन सिंह पे कि शराब पी के मारधाड़ करते, तो आप उनको जानते तो उनके बारे में बताना चाहेंगे उस तरह के? सर हम तबेला वाला। बिहार में समय कौन सा गाना हिट चल रहा है, नहीं पूछ रहे बिहार में गाना। सर लड़का खेलाए कि अभी एक मेरा गाना चल रहा है, लड़का खेलाए कि तारा के, लड़का सताए कि तारा के, इतना अच्छा गाना है, एक औरत का दर्द है। कौन सी कंपनी का है वो?